हे गाइस अ फोरपी हैकर ईयर सो गाइस वेलकम टू आवर चैनल आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे आप ग्राउंड टीयर में रीच कर जाते हैं एस में पहुंच जाते हैं तो पॉइंट्स बहुत कम प्लस होते हैं अगर आपकी रैंकिंग चल रही है मींस आप अगर रैंक पुश कर रहे हैं आपकी रैंकिंग आ गई टू थाउजेंड फोर थाउजेंड में तो फिर वहां पे प्लस होना बहुत ही कम हो जाता है तो उसके सोल्यूशन के बारे में कि जोन रोटेशन कैसे देनी है लास्ट तक सर्वाइव कैसे करना है किल्स कितने चाहिए होंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पज जो था कि जब मैंने कॉन्क्रेट पुशिंग स्टार्ट की तो गेम प्ले वीडियोज़ अपलोड कर रहा था तो उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे भाई मैं क्राउन पे रीच कर गया हूँ मेरे प्लस नहीं हो रहे आप कैसे एक दिन में ढाई सौ दो सौ प्लस कर ले रहे हैं क्राउन पे या जिस तरीके से भी है तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था तो आई थाट कि मुझे ये बताना चाहिए तो उसमें मैं बताऊंगा कि मेरा ड्रॉप लोकेशन क्या होता था और रोटेशन कैसे देना चाहिए किल्स और सर्वाइवल कितना कौन सी सी ज़्यादा जरूरी है और लास्ट जोन में मतलब इसी तरीके तीन चार पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा तो चलो पहले पॉइंट पे आते हैं आपका कि जो है ड्रॉप लोकेशन तो ड्रॉप लोकेशन ले मैंने बहुत बंदों को देखा भाई सीधा सीधा अभी मैं एज एग्जाम्पल बताता हूँ मान लो नोवो से सवरने का पेंट पाथ बना बंदे क्या करेंगे भाई क्वेरी के लेफ्ट साइड में जो सोल का ड्रॉप हुआ करता था एक टाइम पे वहाँ वाले कंपाउंड्स पे पहुँच जाएंगे गाड़ी लेके कर अब वहाँ पे क्या होगा वहाँ तीन डुओ पहुँच जाएगा तो वो जो जिस लिए गए थे आप कि भाई मुझे सेफ खेलना आराम से लूट करना वो चीज़ तो हुई ही नहीं ना वहाँ पर वहाँ पर एक डुओ का तो फाइट होगा ही होगा दूसरे डुओ से तीसरा डुओ भले से भाग जाए लेकिन दो डुओ का फाइट होना ही होना तो ये चीज़ मत करो देखो अभी जैसे एरिया हुआ कि मैं बताता हूँ गाड़ी लेके कर के कंटेनर्स कोई नहीं जाएगा कभी गाड़ी लेके की कभी कोई नहीं जाता मैं ये नहीं कर रहा कि अभी गाड़ी लेकर की चले जाओ क्योंकि पोचिंग सेंटर है कोई कहीं से भी पहुँच जाता है लेकिन मोस्टली क्या होता है ना कि गाड़ी लेके कंटेनर्स कोई नहीं जाता क्योंकि सबको पता है भाई कंटेनर्स उतनी अच्छी लूट नहीं है सीधा कंटेनर्स थोड़े रिस्की होते हैं तो आप ऐसा एरिया चूज़ कर सकते हो कि अगर अभी आप क्राउन टीयर पे आपके पास कार्ड्स हैं कार्ड्स हैं तो ये चीज़ ट्राई करना पर्सनली मैं बता रहा जैसे देखो जॉर्जो की बड़ी सिटी क्या है वहाँ पे तो हमेशा बंदे जाएंगे चाहे प्लेन पाथ पे हो ना हो वहाँ हमेशा जाते हैं लेकिन अभी आप एक दो बार ट्राई कर सकते हो कि अगर जॉर्जो पुल का कंटेनर मैंने जॉर्जो पुल जो है मेन जॉर्जो पुल वो अगर काफ़ी दूर है प्लेन पाथ से तो आप एक काम करो कंटेनर्स मत जाओ जॉर्जो सिटी भी मत जाओ हॉस्पिटल के बगल में जो लेफ़्ट वाली सिटी है जॉर्जो मेन सिटी के नीचे के साइड वहाँ पे जाओ इससे क्या होगा ना कि अगर प्लेन पाथ वहाँ से है तो भी आप वहाँ जा सकते हो कोई नहीं आता मोस्टली कोई नहीं आता जॉर्जो सिटी जाते हैं बंदे लेकिन आप उतना एरिया लूट के लेफ्ट साइड में एक स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पर जाके आप कैंपिंग लगा सकते हो और वैसे अगर मैंने अगर प्लेन पाथ है अगर प्लेन पाथ नहीं है तो भी आप आराम से जाओ लूट करो वहाँ से थोड़ा देर रुक के स्काउट करो एक जोन तक वेट करो कि हाँ एक जोन आपके ब्लू जोन आपके ऊपर से क्रॉस कर गया आप जॉर्जो सिटी स्काउट करते रहो दरवाजे देखते रहो कोई खुले हैं कि नहीं खुले हैं उसके बाद वहाँ पर भी जाके आप मतलब फर्दर लूट कर सकते हो अपनी कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो, तो एक कुछ ऐसा एरिया चूज़ करने पड़ते हैं अभी जैसे हो गया कि गाड़ी लेकिन मैं पर, मैं एक चीज़ और बता दूँ जैसे अभी थोड़ा सा है कि मिल्टा जैसे मिल्टा अगर मान लो उन्नीस या दो मीटर दूर है तो कोई मिल्टा नहीं जाता ये एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मेरा सा, कभी कभी आ जाते हैं ठीक है बट ये पर्सनली आप खुद रियलाइज़ करोगे कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप मिल्टा नहीं रुकोगे आप सीधा मिल्टा पावर जाओगे या मिल्टा पावर के बगल का जो भी आपका कंपाउंड वगैरह है उधर जाओगे तो ये एरिया भी चूज कर सकते हो अगर आपका ये कंपाउंड वाला चीज़ें वर्क नहीं कर रहा लेकिन मोस्टली मैं पीछे मैं सीजन थर्टीन में था तो ये वाली चीज़ ये ट्रिक यूज़ करता था और काफ़ी सक्सेसफुल थी मैंने पूरे पूरा सीजन मैंने एक मैं ए लॉबी में भी मीन्स जब मेरा रैंक छः चल रहा था मैं तब भी जॉर्जोपुल के सिटी के नीचे वाले एरिया उतरता था लेकिन हाँ कंटेनर कंटेनर्स का भी मत जाना क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कंटेनर्स हो गया पोचिंग की हो गया यहाँ हैकरस लूट करने के बाद आते हैं स्काउट करने की बंदे हैं कि नहीं लेकिन अभी एकदम जो साइड हॉस्पिटल के बगल वाली सिटी हो गई होगा क्या कि हैकर आया कंटेनर्स तक स्काउट किया गाड़ी लेके तो वो डिस्टेंस जो होती है वो तीन चार सौ मीटर से ऊपर होती है और हैकर लोग को शायद थ्री हंड्रेड मीटर्स तक ही दिखता है कोई तो आप उतना ध्यान देना कि उतना डिस्टेंस मेंटेन रहे जो भी मेन सिटी है उससे आप थ्री हंड्रेड के मीटर की दूरी पर आप कहीं भी कैंप करो तो आपको नॉर्मल बंदों से प्रॉब्लम नहीं होने वाली और हैकर के भी चांसेस कम रहेंगे कि वहां पे आए बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से लेकिन मैं कहूंगा कि अभी गाड़ी लेके स्टेलबर जाना गाड़ी लेके कमिश् जाना तो भाई कभी कभी ना ये चीजें गलत कर जाती हैं क्योंकि भाई बंदे हमसे भी पहले पहुंच जाते हैं या फिर बाद में कोई टीम आ जाती है गन लेके और आप पुश करने जाते हो कभी कभी ये चीजें वर्कआउट इतने अच्छे से नहीं करती तो या तो कंपाउंड सेलेक्ट करो जहां कोई ना जाता हो या फिर ऐसे कंपाउंड्स हो जो काफी अंडर रेटेड हो अभी मैं कोई आपको एक और जगह बता देता हूँ झरकी के साइड में देखोगे कुछ कंपाउंड्स होते हैं एक राइट साइड में कंपाउंड होता है एक लेफ्ट में झरकी के डाउन साइड जॉर्जो सिटी के ऊपर उधर का कंपाउंड होते हैं वो लूट सकते हो बाकी सवरनी से स्टेलबर के रोड में तीन कंपाउंड चार कंपाउंड पड़ते हैं वो लूट सकते हो कभी कभी बंदे मिल जाते हैं उधर लेकिन हाँ मोस्टली वो खाली भी मिलता है वहाँ पर आप लूट कर सकते हो लेकिन ये मैं कंपाउंड्स के ऊपर अभी भी प्रायोरिटी दूंगा कि आप किसी मेजर एरिया के बगल में जाके लूटो तो काफ़ी बात हो चुकी है अभी ड्रॉप के ऊपर अभी नेक्स्ट जो चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं वो है अपना जोन रोटेशन पर आप मान लो अभी गिस्ट करते हैं कि आप क्राउंड फोर पे हो तो क्राउन फोर में मैं मैं कैसे खेलता था क्योंकि मेरी उस वक्त रैंकिंग चल रही थी चार हज़ार के राउंड पे तो मैं थ्री जोन तक मींस बाहर रहता था तीन जोन तक फुल एकदम मस्त जोन के बाहर बैंडेजेस लेके बैठो भाई जोन में सीधी चीज़ है जोन में हैकर बैठे रहते हैं हमको हैकर हर मैच में हम हैकर एक मार सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं मार सकते और डू एफ पी में भाई दस बारह हैकर भी आ जाएंगे भरोसा नहीं कर सकते तो आप सीधा सीधा है बैंडेजेस जितने मिल रहे हैं कैरी करो अगर फर्स्ट एड ज़्यादा मिलनी है तो बैंडेजेस के ऊपर फर्स्ट एड बैंडेजेस गिरा के फर्स्ट एड्स उठाओ लेकिन हाँ हीलिंग उठाओ थर्ड जोन तक जोन के बाहर रहो अभी आप मैप में देख सकते हो कि ये देखो फर्स्ट जोन हम लोग जोन के बाहर रहते हैं सेकंड जोन में भी हम जोन के बाहर रहते हैं थर्ड जोन का शिफ्ट देखो हमसे चार हज़ार मीटर दूर जोन बनता है ये तो फिर अभी हम निकलना चालू कर जाते हैं जब ये वाला मैप बने इस वक्त आपको जोन में होना है इससे पहले तक आप मस्त जोन के बाहर रहो कोई दिक्कत नहीं है और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जोन के बाहर कितना दूर रहो तो आपके लिए सेफ है फर्स्ट जोन में आप कितना भी दूर रहो कोई दिक्कत नहीं है सेकंड में भी आप कितना भी दूर रह लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही थर्ड बनने वाला हो आप कोशिश करो कि आप जोन से 1500 मीटर ही दूर रहो उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि देखो कभी कभी हो जाता है कि कुछ पंगे हो जाते हैं बंदे आ जाते हैं या कुछ भी दिक्कत हो गया तो आप जोन ईजिली जा सको आपकी गाड़ी वाड़ी नहीं है तो और थर्ड जोन जैसे ही मतलब थर्ड जोन स्टार्ट हुआ बनना जब जो मीन्स ब्लू जोन थर्ड का स्ट्रिंक होना स्टार्ट किया फोर्थ बनने वाला हो तो तुरंत आप उससे मतलब दस बीस सेकंड पहले ही क्या तीस सेकंड पहले निकल जाओ और ब्लू जोन से तीन सौ मीटर दूर रहो थर्ड जोन का जो ब्लू जोन है उससे थ्री हंड्रेड मीटर्स दूर रहो क्योंकि कोई अगर हैकर भी होगा तो उनका जो एरिया है देखने का शायद वो थ्री हंड्रेड मीटर ही होता है जहाँ तक मुझे पता है तो वो तीन सौ मीटर दूर आपको बाहर नहीं देख पाएंगे आप कहीं भी एक कंपाउंड पर रुको बैंडेजेस मारते रहो और ही जोन स्टार्ट करता है जोन के साथ चलना चालू करो और उसके बाद फोर्थ जोन से एज खेलो और मोस्टली ट्राई करो कि देखो हैकर क्या होता है ना कि जोन का सिंगल अगर कोई कंपाउंड है तो हैकर उसमें जाएगा ही जाएगा तो आप वो वाली मिस्टेक मत करो कि भाई मैं कंपाउंड में जाऊँगा खेलूंगा सबको बूम बाम मारूंगा क्या मतलब है भाई तुम दो एक डुओ मारोगे दो डुओ मारोगे तीसरा हैकर आके तुमको मार के चला जाएगा फोकस करो कि टॉप थ्री टॉप टू या चिकन में आओ उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं मतलब किल्स पे तो मिलते ही मिलते हैं तो उसके बाद एज टू एज खेलने में एक चीज़ और ध्यान देना कि कोई शैक हुआ तो एफपीपी में शैक कभी होल्ड नहीं करना चाहिए मुझे बहुत पर्सनली बहुत ख़राब लगता है क्योंकि देख नहीं सकते बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है कोई पुश कर देगा बहुत इशू होता है शैक मतलब स्नाइपर टावर हुआ ऐसी जगह हुई ये सब पकड़ सकते हो जिसमें टू स्टोरी टाइप का है तो एज में भी हायर एरिया हमेशा प्रेफर करो कि जो हायर एरिया मिल रहा है अगर आपको तो उस एरिया में जाकर रोटेशन दें और हमेशा एज टू एज रोटेट करो फोर्थ जोन से फोर्थ जोन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी बंदे अगर ज़्यादा लाइव हैं तो एज टू एज रोटेशन में इशू होता है लेकिन उतना नहीं आप आराम से रोटेट कर लोगे फोर्थ जोन में भी फिफ्थ जोन में भी बात आती है फिफ्थ से सिक्सथ जोन के बाद देखो सिक्स जोन में होता है बहुत छोटा हो जाता है जोन अगर अलाइव कम है तो आप गाड़ी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट जोन में जाने के लिए कि अगर आपको दिख रहा है सामने एक सैक है वहाँ पे गाड़ी से जा सकते हो तो गाड़ी यूज़ करो वरना फुल स्मोक पाथ बनाओ मस्त जोन में जाओ कोई इशू नहीं है देखो देखो हमेशा भी जैसे अभी कभी कभी फुल ओपन जोन बन गया तो कभी भी एक दूसरे के पास में मत रहो एक बंदा इधर है तो दूसरा बंदा कोशिश करो पच्चीस मीटर दूर रहे उससे कि कम से कम एक नेट से अगर फट गया बंदा तो दूसरे वाले का पोजिशन रिवील ना हो और कभी भी नॉक होने के बाद सीधा अपने बंदे की तरफ मत भागो भाई दूसरे डायरेक्शन में जाओ क्योंकि अब तुम स्पॉटेड हो चुके हो तुम्हारा टीममेट भी स्पॉटेड हो जाएगा ऐसे नहीं हुआ तो क्या पता वो क्लच कर जाए तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान रखो और थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने कि सर्वाइवल और किल्स सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक्चुअली दोनों इम्पॉर्टेंट है मोस्टली मैं कहूँगा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइवल करना थोड़ा सा इजी होता है किल लेने के कंपेयर में क्योंकि देखो भाई सबके पास अच्छे डिवाइस अच्छे इंटरनेट होना जरूरी नहीं है अगर आपके पास है तो तो आप किल ले लोगे लेकिन फिर भी रिस्क रहता है भाई कि किल लेने के चक्कर में हैकर से पंगे हो जाएंगे तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि सर्वाइवल और किल के चक्कर में कि एस में अगर हो आप एस या क्राउन में हो मिनिमम का टारगेट रख के चलो चार किल मिनिमम का कि अगर आप हर लॉबी में हर मैच में चार किल कर रहे हो तो आ ही तो ही आपका प्लस होगा क्योंकि देखो एक बार और इस और एक चीज़ ध्यान देना अगर आपको स्टार्टिंग में कहीं फ्री किल्स मिल रहे हैं तो उनको पूरा मतलब उनको वो चांस छोड़ो मत क्योंकि फिर वो पूरा मैच आपका अच्छा कर देते हैं जैसे स्टार्टिंग में कभी कभी होता है गाड़ी पे फाइट हो गई तो बंदे क्या नाम है गाड़ी पे आ गए तो आप उनको कुचल के किल्स निकाल सकते हो तो निकालो और ऐसे गाड़ी वाले सीन में भी कभी भी हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि एक बंदे को गाड़ी पे भेजो दूसरा बंदा शैक घर या ऐसी जगह जाए जहाँ से उसे गन मिल सके तो आपको किल्स वहाँ पे मिल जाएंगे तो स्टार्टिंग में कोशिश करो स्टार्टिंग में अगर आपको किल्स मिल रहे हैं बॉट्स मिल रहे हैं तो वो उठा लो और वो आपको पूरा एंड के मैच में मीनस अगर आप इंड में भी चल गए थोड़ा सा फिफ्थ सिक्स रैंक पे भी मरे आपके लेकिन चार पांच किल हैं तो वो आपका माइनस नहीं लगने देगा अगर आप एस पे भी हो कभी कभी एस पे माइनस लग जाता है अगर आपके किल्स ना हो फिफ्थ सिक्स में मरो मर तो, तो कोशिश करो कि किल्स निकालें और अगर आपको किल्स नहीं निकल रहे हैं तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो कि अपना जो पार्टनर है उससे बोलो कि भाई तू किल्स मत कर या तू दूसरी आईडी से आ जाओ मैं जितने भी बॉट्स आएंगे मैं मारूंगा तू अभी मत कर पहले मेरा कांकर हो जाने दे फिर मैं तेरा काउंकर कर दूँगा इस तरीके मतलब अपना एक फ्रेंड बनाओ जो क्या नाम है बॉट के किल्स तुम्हें दे सके तो मैच में अगर तीन चार बॉट तो कम ही मिलते हैं लेकिन अगर मिल जाते तो अच्छा है आपके लिए कोशिश करो चार किल प्लस टॉप थ्री टॉप फाइव उतने में ही प्लस होगा टॉप थ्री टॉप फाइव के बाहर आओगे एस क्लब में तो फिर भूल ही जाओ प्लस होना और आपको बताऊँ ये देखो एस पे थर्टी टू प्लस बारह किल करके ये विकेंडी की लॉबी थी लास्ट जोन में सेवन अलाइव इंडो लॉबी मतलब लास्ट जोन हीलिंग जोन में सात बंदे हीलिंग कर रहे थे एक घर में ही चार बंदे टीम अप करके हीलिंग कर रहे हैं तो मेरे फ्रेंड ने घुस के मारा था मैं हील बैटल कर रहा था लास्ट में मैं जीत गया तो अगर आपको अच्छी लॉबी मिल रही है तो ट्राई करो कि उसमें तुम लास्ट तक जाओ क्योंकि जितना अच्छा लॉबी में आप जितनी अच्छी लॉबी जितना अच्छा आप उसमें सर्वाइव करोगे उतना अच्छा आपका प्लस होगा साथ में किल इंपॉर्टेंट है किल देखो अभी बारह किल कर दिया बत्तीस प्लस लगा बीस थर्टी टू काफ़ी अच्छा अच्छा क्या बहुत अच्छा प्लस है इस लॉबी में क्राउन लॉबी में थर्टी टू प्लस नहीं होता अगर आप आठ सात किल कर रहे हो क्राउन फाइव वगैरह में तो आपका अट्ठाईस uh, या उनतीस प्लस मीन्स ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन प्लस होगा लेकिन इस लॉबी में ये प्लस काफ़ी अच्छा है तो गाइज ऑन दिस नोट वीडियो को फिनिश करते हैं अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा प्लीज़ मेक श्योर टू तो लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय